यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इजिप्ट का नक्शा है और पूरा क्षेत्रफल जो इजिप्ट का है वो 10 लाख मील का है। अभी इस समय 110 मिलियन लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं और 70% मुस्लिम लोग हैं और 30% कॉप्टिक मसीह लोग हैं। और आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं कि नील नदी का उद्भव जो है वो दक्षिण से होता है और वो पूरी बहती हुई भूमध्य सागर में जाके गिरती है, और जो निचला इलाका है उसको वो ऊपरी इजिप्ट कहा जाता है। और ये ऊपर जो हरा आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसको नील नदी का डेल्टा कहा जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ मिस्र के लाल समुद्र है। यहाँ पर लाल समुद्र की दो खाड़ियां हैं, एक को अकाबा की खाड़ी कहते हैं और एक को स्विस की खाड़ी कहते हैं, और स्विस की खाड़ी के कारण ही उस कैनाल का नाम स्विस कैनाल रखा गया है। जब आपको मैं मिला बॉर्डर के ऊपर तो आपको पता है मैं आपसे कहाँ पर मिला था, हम यहाँ पे टाबा में मिले थे और हम दूसरे दिन वहां से चले और यहाँ तक आए हम लोग। और यहाँ पे सेंट कैथरीन मोनेस्ट्री है और ये पूरा क्षेत्र जो है वो साइनाय पेनिनसुला कहलाता है। और फिर उसके बाद हम स्विस गल्फ की तरफ गए और उसके बाद हम उत्तर की तरफ चले और यहाँ पे हमने एक टनल पार किया था और उसके बाद हम कायरो में आए थे। अभी हम कायरो में है और हम यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि जब पवित्र परिवार जो था यीशु मसीह के माता पिता और यीशु मसीह जब वो वहाँ से निकले बैतलहम से, तो हम उसको यात्रा नहीं कहते हैं, हम उसको फ्लाइट कहते हैं। इस नक्शे में आपको एक लाल और एक ऑरेंज लाइन दिख जाएगी और लाल रंग की जो लकीर है वो बताती है कि किस प्रकार से वो लोग बैतलहम से इजिप्ट, और जो ऑरेंज लाइन है वो बताती है कि वो यहाँ से किस रास्ते से यरूशलेम गए थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो उस लाल लकीर वाले रास्ते से आए तो ये तो स्विस की खाड़ी है और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये स्विस कैनाल है। लेकिन ये स्विस कैनाल जो है वो इंसान के द्वारा बनाया गया था, यीशु मसीह के काल में मरियम लोगों के समय में ये कैनाल जो था वो नहीं था, इसलिए उनको ये कैनाल पार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो पैदल पैदल ही इसको सीधे पार कर गए थे। और उसके बाद जहां जहां पर भी वो रुके, चाहे एक दिन के लिए भी रुके, ये गोल गोल निशान बने हुए हैं, एक दिन के लिए भी जहां पर वो रुके वहां पर आज जो है एक एक चर्च बना हुआ है। और सारे चर्चेस जो है इम्पोर्टेंट हैं जो इन जगहों के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्च जो है वो ये है जिसको बेबीलोन कहा जाता है। और यहाँ पर ये चर्च जो है इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र परिवार यहीं पर ही रहा था, यहीं पर ही अंदर वो जगह है जहाँ पे पवित्र परिवार रहता था, इसको अबू सरगा कहा जाता है। अब हम अंदर जा रहे हैं, उसके बाद आप नीचे जा सकेंगे जहाँ पे पवित्र परिवार रहते हैं। Thank you.